देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। एमआरआई की रिपोर्ट भी नॉर्मल, अम्बेकर अब भी आईसीयू में। नागपुर गुजरात के कारोबारी से जुड़े 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर उससे 1 करोड़ रुपए का हफ्ता मांगने के मामले में आरोपी गैंगस्टर संतोष अम्बेकर का उपचार मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद केवल एमआरआई जांच के नाम पर अस्पताल के डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया। तकनीकी कारणों से अम्बेकर का एमआरआई कराने में 44 घंटे लग गए। अब उसकी एमआरआई जांच भी हो चुकी है, रिपोर्ट नॉर्मल बताई जा रही है। बावजूद इसके अम्बेकर को आईसीयू में भर्ती किया गया है। मुंबई के हवाला कारोबारी के यहाँ काम करने वाले मलाड निवासी अजय पटेल और अंकलेश्वर निवासी सूरज पटेल को अपराध शाखा ने 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इन दोनों से पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर चुकी है। शैलेश की गिरफ्तारी होने के बाद इस मामले की जांच में तेजी आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अम्बेकर ने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक कर लिया। 3 दिन से वह अस्पताल में है, इस वजह से पूछताछ नहीं हो पाई है। शुक्रवार को अम्बेकर और शैलेश की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। अब देखना यह है कि कोर्ट में क्या होता है। पता चला है कि जिगर पटेल के कहने पर सूरज पटेल ने रुपए भेजे थे। यह रकम हवाला के माध्यम से भेजी गई थी। इस प्रकरण में दलाल रमेश पाटिल की भूमिका अहम है। उसकी तलाश के लिए 4 टीमें अलग अलग शहरों में घूम रही है। पाटिल की गिरफ्तारी के बाद मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। उसके अलावा हवाला कारोबारी भी पुलिस की दहशत से अंडरग्राउंड हो गए हैं। फिलहाल खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS News के साथ। नमस्कार।